ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, एसके ग्रीन आर्च टावर के नाम बताना जरा जल्दी जल्दी, कौन कौन सा टावर? हाँ एस्टर और ऑर्चिड और डॉलिव जीनिया। अच्छा ये साइड में ये प्रोजेक्ट किसका है? ये एसके का ही है। अच्छा ये भी एसके का प्रोजेक्ट ही है, टूलिप जीनिया को टावर से जोड़ा। अच्छा 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 टूलिप जीनिया टावर है, आसपास की सोसाइटी आ जाती है आपकी जिसमें आपका निराला स्क्वायर आ जाता है। तो अभी जाते हुए सैंपल फ्लैट देखने के लिए एसके का, ये एसके का प्रोजेक्ट है, काम तो बस अच्छा किया हुआ है इन्होंने, सब अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। ये भी ये सैंपल फ्लैट है, 9 फुट की इसकी हाइट है, यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है। ये आपका व्यू आ जाता है बाहर का, ये कौन सी फेसिंग है ये सामने? पार्क फेसिंग आ जाती है इसमें। सो ये कितने का, कितना एरिया में बैठ जाएगा ये? 1 2 3 ये 10x16 का एरिया है, ये 10x16 का आपका आ जाता है ड्राइंग रूम। सो ये कॉमन टॉयलेट आ जाता है आपका, ये कॉमन टॉयलेट आ जाता है आपका। इसकी हाइट कितनी होगी? ये 9 फुट की हाइट है। ये ओपन किचन आ जाता है आपका, पूरा ओपन किचन आ जाता है आपका। ये आपका इसके ठीक सामने एल शेप में बालकनी आ जाती है, ये पूरा एल शेप बन जाता है, कॉमन अटैच दूसरे रूम से, ये कॉमन अटैच है दूसरे रूम से, ये एल शेप में बालकनी आ जाती है पूरी की पूरी। ये ऊपर का लेआउट है आप देख सकते हैं, ये अदर किसी और सोसाइटी में है, ये ऊपर का लेआउट नहीं आपको मिल पाएगा, ये केवल एसके दे रहा है। ये सेकंड रूम आ जाता है आपका 10x11 का, काफी अच्छा मुझे लगा फिनिशिंग इसकी 10x11 का, ये एसके का प्रोजेक्ट और इसमें ही अटैच है ये कॉमन टॉयलेट जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, कॉमन टॉयलेट इसमें अटैच हो जाता है। सो अभी हमने देखा ये एसके का प्रोजेक्ट है, सो इसका हमने अभी सैंपल फ्लैट देखा एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सैंपल फ्लैट देखिए, सैंपल फ्लैट बनाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन इसमें मैंने इनसे पूछा है कि काफ़ी, हाँ अच्छा हैंड टू हैंड इन्होंने बोला है कि सेम ही यही फ्लैट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे बिल्डर्स कर देते हैं कि सैंपल फ्लैट अलग हो जाता है और पोजीशन के टाइम पे मिलता कुछ और है, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेम टू सेम ही मिल पाएगा और यही मिलेगा, यही इन्होंने प्रॉमिस भी किया है। एंड देखते हैं, हाँ 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 2.5 एकड़ में पार्क है, 2.5 एकड़ में टावर है। अच्छा। 4 टावर है, ओस्टर एस्टर ऑर्चिड टोलिप और जीनिया, जिसमें आपको 2 BHK 3 BHK में दो साइज मिल जाते हैं। 2 BHK में आपका 1,000 स्क्वायर फीट है, 3 BHK में 2 साइज है, 1,220 स्क्वायर फीट, 1,600 स्क्वायर फीट। अच्छा हाँ, तो ये प्रोजेक्ट कितना सोल्ड आउट हो चुका है अभी तक? सर इसमें 2 टावर पूरे सोल्ड आउट है, कुछ बस इसमें 50 इन्वेंट्री बची है पूरे टावर्स में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें केवल अभी 50 इन्वेंट्री बची है, सो हरी अप गाइस जल्दी कीजिए। अच्छा 1,000 फ्लैट्स में अभी 50 इन्वेंट्री बची हुई है कुल, ओनली 30th तक, वेरी गुड। पहले आई आप उसमें बैठ सकते हैं और अपने फ्लोर पे हरी अप करके जा सकते हैं, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे इनका। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा बिल्डिंग इनका एंड बिल्डिंग के फोटोज वगैरह सब।
सब मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ आगे कि बिल्डिंग कैसी है, हाइट कैसी है, सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका पूरा का पूरा SKA ग्रीन की जो अंदर बनी हुई है, यहाँ से लिफ्ट जाती हैं सारी ऊपर, ये सब लिफ्ट हैं चल रही हैं। SKA ग्रीन पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ये SKA सोशल, ये इनका क्लब की एंट्री है, यहाँ से क्लब की एंट्री हो जाती है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और चलिए अब चलते हैं क्लब में। ये बाहर जहाँ पे कार्स वगैरह खड़ी होती हैं SKA ग्रीन की, आप देख सकते हैं पूरा SKA ग्रीन सामने, यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह होती है सब। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मुझे ये लगा है। सो, ये इनकी बिल्डिंग आ जाती है। ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर फ्लैट बनाए हैं, काफ़ी अच्छा मुझे लगता है यार। इस वाली बिल्डिंग का नाम इनका ऑर्चिड है। ये देखिए आप पूरी की पूरी बिल्डिंग, हाइट ऑर्चिड के नाम से वाला पूरा टावर है। सो, अब मैं आपको दिखाऊंगा SKA ग्रीन का क्लब, तो आइए चलिए देखते हैं SKA ग्रीन का क्लब कैसा है। बाउंसिंग बॉल्स, स्नूकर, फिटनेस लॉन्च, SKA जिमनास्टिक, फन हाउस, ये SKA ग्रीन आर्च, ये SKA ग्रीन आर्च का पूरा सैंपल फ्लैट्स आप देख सकते हैं। ये टॉयलेट चला जाता है आपका, एंड ये SKA जिमनास्टिक, वाओ क्या। ये देखिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, वाओ। डमी है, ये पूरा का पूरा डमी है, वाओ कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका, वाओ 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 वाओ। ये देखिए किस तरीके से पूरा डमी इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये आपका था फिटनेस लॉन्च, ये जिम है, ये अभी तो एट ए टाइम पे अभी ऑफ हो रखा है। सो, मैं आपको अभी बाहर से ही दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा जिम, आप देख सकते हैं SKA का ये जिम आ जाता है आपका पूरा, ये 6 hours 10 hours खुलता है, ओपन होता है। बाकी ये सामने डमी रखा हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये आपका सेंट्रल AC आ जाता है पूरा का पूरा SKA मैजेस्टिक। ये लोन वोन पार्टी वार्टी के लिए आपका जाता है SKA मैजेस्टिक, यहाँ पे पार्टी वगैरह कर सकते हैं आप फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छा है क्लब मेंबरशिप भी लें। चलिए अब आपको SKA मैजेस्टिक का पूरा टूर कराते हैं। वाओ 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 वाओ, पूरा देख सकते हैं आप कितना ही सुंदर है, अच्छा बना हुआ है काफ़ी। देखिए इन्होंने अभी प्रोजेक्ट भी ये जल्दी स्टार्ट किया था और डिलीवर भी किया है जल्दी। बाकी आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब 2010 से बन रहे हैं पर अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए, सो इसलिए ही ये महंगा है, बट लेकिन मुझे अच्छा भी लगा। ये बैठे हुए हैं बंदे, सो आप देख सकते हैं बाउंसिंग बॉल्स। सो अभी ये ऑफ है, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, यहाँ पे खेल सकते हैं अच्छे से। हाँ तो भैया बताइए प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कीजिए थोड़ा, क्या क्या प्रोजेक्ट है ये। चलिए।